अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 14 को आज हम स्टार्ट करेंगे और आज के चैप्टर में हम सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करेंगे और रदरफोर्ड्स क्राइटेरिया को यूज़ करके हम देखेंगे कि सिस्टम्स की स्टेबिलिटी हम कैसे जज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन द व्हाट रियली मेंट बाय द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ एनी सिस्टम बिकॉज इट विल टेल अस कि वेदर वी हैव सिस्टम दैट इज शोइंग सम रिस्पॉन्स विच यू कैन डिटरमिन विद द टाइम और यू कैन से दैट इट हैज़ सम फाइनाइट रिस्पॉन्स और विजिबल रिस्पॉन्स और यू कैन से दैट रिस्पॉन्स दैट कैन बी क्वान्टिफाइड। अब इसको हम प्रॉपरली डेफिनेशन की साथ हम आगे जाके देखेंगे। सो एन अनस्टेबल सिस्टम कैन नॉट बी डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक ट्रांसमिट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट एरर रिक्वायरमेंट्स। अगर आपके पास एक एग्जाम्पल हम देखें एयरक्राफ्ट की, सो बेसिकली इनहेरेंटली इट इज़ अ अनस्टेबल सिस्टम बिकॉज वेन यू विल स्विच ऑफ द इंजन्स वाइल बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस द एक्सट्रीम कंडीशंस। वैसे बहुत सारे और भी अवामल हो सकते हैं अनस्टेबल सिस्टम को करने के लिए, लेकिन आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द मोस्ट एक्सट्रीम केस कि अगर आप एरियल मोड में हैं, एक जहाज एक एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है और आप उसके इंजन्स को स्विच ऑफ कर दें, सो व्हाट विल हैपन। वो इनहेरेंटली क्योंकि अनस्टेबल प्रॉपर्टीज़ रखता है, वो अपने जो इक्विलिब्रियम कंडीशन हैं उनसे हट के चल रहा है, जो स्टेबल पॉइंट्स हैं उनसे हट के ऑपरेट कर रहा है। सो एज सून एज आप कंट्रोल हटा दोगे, सो इट विल बिकम इट विल शो यू द अनस्टेबल रिस्पॉन्स। इस तरीके से अगर आप बहुत सारे स्टेबल सिस्टम्स को देखें तो उनके भी कुछ थ्रेशहोल्ड्स होते हैं, उनके भी कुछ गेन मार्जिन्स होते हैं। अगर आप उन सिस्टम को ऑपरेट करवाएंगे उन गेन मार्जिन से अलग होकर, उन गेन मार्जिन से आगे जाकर या उन गेन मार्जिन से आगे या पीछे जाकर, तो बेसिकली क्या होगा, सिस्टम अपने स्टेबल रीजन से हट जाएगा और इट विल बिकम द मार्जिन स्टेबल और अनस्टेबल। वी विल लुक एट ऑल द पॉसिबल डेफिनेशंस रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। सो इसके अलावा हम we have many more definitions of the stability depending upon the kind of system or the point of view. हम देखेंगे कैसे system बजाते खुद unstable भी हो सकता है, system को external जो उसकी inputs हैं वो कैसे unstable कर सकती हैं, we will look at these things. So, for this lecture and for this subject, we will focus on only linear time invariant systems. सो इससे पहले जो हम सेक्शंस में देख चुके हैं पिछले फोर्थ चैप्टर में, सो वी हैड अ रिस्पांस, टोटल रिस्पांस ऑफ द सिस्टम विच इज वाज द सम ऑफ द फोर्स रिस्पांस एंड द नेचुरल रिस्पांस। सो अगर आपको याद हो तो नेचुरल रिस्पांस कुछ जो स्टेबल सिस्टम के लिए हमने देखा था वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर आपको याद हो तो वो कुछ आ रहा था ई रेज़ टू पावर माइनस ए ऑफ टी, राइट। ये इस एक्सक्यूज मी, ओके। सो ये अनस्टेबल रिस्पॉन्स स्टेबल रिस्पॉन्स आ रहा था एक फर्स्ट ऑर्डर पोल का, और पोल अगर मैं देखूं तो अगर एस प्लेन में देखूं, इट वॉज प्लेस्ड ऑन द रियल एक्सिस ऑन द लेफ्ट हाफ प्लेन, दिस इज द लोकेशन ऑफ पोल एट माइनस ए। सो अगर मैं इस फंक्शन को देखूं, सो दिस इज इट्स नेचुरल रिस्पॉन्स, ये ठीक है। सो ये जो रिस्पॉन्स है इट इज बाय इटसेल्फ अ एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन, और ए डेट बेसिकली डिक्टेट कर रहा है कि इसका जो डिके होगा वो उसका रेट क्या होगा, राइट। सो बेसिकली अब यहाँ पर क्या कि अगर आप देखें तो एज टी विल अप्रोच टू इन्फिनिटी आपका जो नेचुरल रिस्पॉन्स है सिस्टम का वो क्या होना जाना चाहिए, जीरो। तो सिस्टम में अल्टीमेटली क्या बचेगा, फोर्स सी ऑफ टी विल, ये मैं इसमें लिख इसको अगर मैं लिमिट्स की फॉर्म में लिखूं कि लिमिट एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी C of t will be equal to
of f of t. बिकॉज ये नेचुरल टर्म क्योंकि स्टेबल सिस्टम के लिए ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. अब अगर यहीं पर एक पोल अगर राइट ऑफ प्लेन पे हो, यहां पर हो, तो आपके पास क्या होगा सिस्टम का, ये यहां पे पोल जो एक्सपोनेंशियल की पावर है दैट विल बी इन दी पॉजिटिव वैल्यू, और ये ही बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा. और आहिस्ता आहिस्ता ये किसी भी लड़ से जीरो में करता हूँ कोई वैल्यू ऑफसेट वैल्यू से उठता है और ये पर आहिस्ता 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 इन्फिनिटी की तरफ उसका ये ट्रेंड होता है. सो इट विल कॉज सिस्टम सिस्टम इंस्टेबिलिटी. अब होता क्या कि यहाँ पर सिस्टम की प्रॉपर्टीज बेसिकली सिस्टम को अनस्टेबल या स्टेबल कर सकती हैं. लेकिन अगर आप गौर करो एक चीज़ को, एक स्टेबल सिस्टम की अगर मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ, चले अनस्टेबल तो चले बात ही होगी दिख रही लगना कि एक अनस्टेबल सिस्टम है तो वो तो फिर मैटर नहीं करता कि इनपुट कैसी है. लेकिन अगर लेट्स से एक स्टेबल सिस्टम था और स्टेबल सिस्टम में इसका नेचुरल रिस्पॉन्स तो जीरो को डिके कर रहा है, राइट, तो लिमिट की वजह से आपके पास अल्टीमेट क्वांटिटी विल बी द फोर्स रिस्पॉन्स जो आउटपुट पे आपको नजर आएगा सी ऑफ टी में. सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मेरे पास स्टेबिलिटी की डेफिनेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द नेचुरल रिस्पॉन्स बट इट इज ऑल्सो एक्सटेंड्स इटसेल्फ टू द फोर्स रिस्पॉन्स, राइट. सो मेरे पास अब क्या होगा कि लिमिट जब मैं अप्लाई करूंगा टी विल अप्रोच टू इन्फिनिटी, माई आउटपुट रिस्पॉन्स विल बी इक्वल टू द फोर्स रिस्पॉन्स. सो द फोर्स रिस्पॉन्स आल्सो विल आल्सो सर्व अंडर सर्टेन कंडीशंस कि ये भी बाउंडेड होना चाहिए. अभी हम इसको देखेंगे आगे जाके कि कैसे हम इसको इसकी डेफिनेशंस देंगे कि प्रॉपर डेफिनेशन स्टेबिलिटी की कैसे करेंगे. सो इट इज़ नॉट ओनली द सिस्टम, लेकिन इनपुट बिग रोल प्ले करेगा सिस्टम की स्टेबिलिटी में. यहाँ से हम ये प्रूव कर रहे हैं, राइट. सो सिस्टम की तीन डेफिनेशन है. स्टेबल सिस्टम इफ वी हैव द लेफ्ट ऑफ प्लेन पोल्स और इसमें यहाँ पे अगर आप देखें लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम स्टेबल इफ द नेचुरल रिस्पॉन्स अप्रोचेस जीरो एज द टाइम अप्रोचेस इन्फिनिटी. जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि अगर स्टेबल सिस्टम होगा तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल डिके डाउन टू जीरो. सो इवन अगर वहाँ पे अगर आप अंडर डैम की केस के में देखो तो फिर भी ऑसिलेशन जो हैं वो डैम कर जाती हैं जीरो पे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल उसके साथ स्केल कर रहा होता है. तो एक्सपोनेंशियल जब जीरो होगा तो ऑसिलेशन ऑब्वियसली डैम भी करेंगी जीरो पे. सो लीनियर टाइम सिस्टम LTI सिस्टम इज अनस्टेबल इफ द नेचुरल रिस्पॉन्स ग्रोज विदाउट बाउंड एज टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. तो अभी जिस हमने एग्जांपल देखी थी एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सपोनेंशियल के जो साइन आ रहा था दैट वाज पॉजिटिव, सो उसकी वजह से आपके पास जो रिस्पॉन्स आ रहा था इट वाज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल. सो देयर इज समथिंग इन बिटवीन द स्टेबल एंड द मार्जिनल अनस्टेबल सिस्टम एंड इट इज़ द मार्जिनल स्टेबल सिस्टम. इसमें आपके पास सिस्टम में कंसिस्टेंट ऑसिलेशंस हो सकती हैं, सिस्टम में मुकम्मल ऑसिलेशंस जो ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स भी हो सकता है. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें LTI सिस्टम इज मार्जिन स्टेबल इफ द नेचुरल रिस्पॉन्स नाइदर डिकेज और नॉट ग्रोस बट रिमेंस कॉन्स्टेंट और ऑसिलेट्स एज टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. तो अगर आपको याद हो फोर्थ चैप्टर में हमने अनटाइम सिस्टम को देखा था जिसमें पोल्स कहाँ पे थे, मार्जिनल एक्सिस पे थे. सो इट वॉज कॉजिंग द प्योर साइनसॉइड्स इन द टाइम रिस्पॉन्स. सो ये तीन डेफिनेशन हैं सिस्टम की. अभी ये जो एक स्लाइड पहले हमने डिस्कशन की थी कि सिस्टम के अगर स्टेबल सिस्टम है तो इसका नेचुरल रिस्पॉन्स तो जीरो को डिके कर जाएगा, बट अल्टीमेटली वी विल हैव द फोर्स रिस्पॉन्स एट द इन द आउटपुट. सो फोर्स जो है इनपुट है जो दैट विल ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ द स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी फैक्टर. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर सिस्टम की इनपुट बाउंडेड नहीं होगी, यानी कि अनबाउंडेड इनपुट आप दे रहे हो, तो सिस्टम अगर स्टेबल भी था तो विद द पैसिव टाइम इट मे कॉज इंस्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. तो यहाँ पे सिस्टम की डेफिनेशन थोड़ी सी रिफर्बिश हो गई है. सो वी कॉल द सिस्टम स्टेबल इफ एवरी बाउंडेड इनपुट रियल्स अ बाउंडेड आउटपुट. सिस्टम के बाउंडेड इनपुट होने चाहिए, सिस्टम की बाउंडेड आउटपुट होगी तब भी सिस्टम स्टेबल होगा. तो बाउंडेड आउटपुट का मतलब नेचुरल रिस्पॉन्स की तरफ से आ रहा है, बाउंडेड इनपुट का मतलब फोर्स रिस्पॉन्स की तरफ से आ रहा है. सो वी कॉल दिस स्टेटमेंट द बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट डेफिनेशन ऑफ द स्टेबिलिटी यूजिंग द टोटल रिस्पॉन्स. A system is stable if every bounded input yields a bounded output. A system is unstable if any bounded input yields an unbounded output. Right?
इफ इसमें डिफरेंट भी आते हैं, ये बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट के केस में, अगर आप अनबाउंडेड इनपुट देते हैं और बाउंडेड आउटपुट, ऐसे सिस्टम भी हो सकता है फिर, यानी कि सिस्टम स्टेबल है लेकिन इनपुट अनबाउंडेड, सिस्टम अनकंट्रोल्ड है। सो इस तरीके से बहुत सारे और भी हैं डेफिनेशंस हैं, लेकिन इस वक्त हमारे यही डेफिनेशंस हमें स्टेबिलिटी के हद तक चाहिए। राइट, सो लेट अस फोकस ऑन द नेचुरल रिस्पॉन्स डेफिनेशन ऑफ द स्टेबिलिटी। रिकॉल फ्रॉम अवर स्टडी ऑफ द सिस्टम पोज दैट पोज इन द लेफ्ट हाफ प्लेन यील्ड्स either pure exponential decaying or damped sinusoidal response, natural response. तो ये pure exponential decaying function आपके पास अगर आपको याद हो, so those who are the critical damped system and overdamped system, जबकि जो damped sinusoidal natural responses था ये आपके पास underdamped system थे। शर्त ये, condition ये है कि आपके पास suppose left half plane पे होने चाहिए सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए। सो दीज नेचुरल रिस्पॉन्सेज डिकेज टू जीरो एज द टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये भी जो हमने लास्ट सिक्स स्लाइड में प्रूफ किया था एक फर्स्ट ऑर्डर पोल लेके, दस इफ द क्लोज टू पोल्स आर इन द लेफ्ट ऑफ द प्लेन एंड हैंस हैव अ नेगेटिव रियल पार्ट ऑफ द सिस्टम इज स्टेबल। सो दैट इज स्टेबल सिस्टम्स हैव क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन विद पोल्स ओनली इन द लेफ्ट ऑफ प्लेन। राइट, सो ये वही डेफिनेशंस हैं जो राइट ऑफ प्लेन पे अगर सिस्टम होगा तो अनस्टेबल होगा, ये सारी डिस्कशन उसी की कंटिन्यूटी में है, इसको जस्ट हमने दोबारा से रिविजिट किया। सो इसकी एग्जांपल अगर आप देखें यहाँ पे, तो जो ऊपर आपको फिगर 6.1 ए सिस्टम नज़र आ रहा है, तो सिस्टम में तीन पोल्स हैं इस वक्त, एक रियल एक्सिस पे -2.67 पे और दो कम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर पे हैं विद अ रियल वैल्यू ऑफ -0.16 एंड इमेजिनरी वैल्यू ऑफ 1.047 in conjugate pair. So we can observe the response of the system which is underdamped response. और आप देख सकते हो कि natural response में दो parameters आएंगे क्योंकि oscillations भी होनी होंगी और exponentials भी होंगे, तो आपके पास system में ultimately we will expect के क्योंकि system के poles left of plane पे we are having oscillations scaled by the exponentials. So क्योंकि एक्सपोनेंशियल लेफ्ट ऑफ प्लेन पे रियल मैग्नीट्यूड के साथ है, तो आपके पास विद पैसिव टाइम दे विल डिके अप टू जीरो एंड दे विल एनफोर्स ऑसिलेशंस टू डिके टू जीरो। सो नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ डिके कर जाएगा जीरो का। तो सिस्टम में अगर आपके पास यहाँ पे देखें तो यहाँ टॉप पे, सो वी हैव वन बाय एस यूनिट स्टेप इनपुट आपके पास, तो आपके पास टाइम रिस्पॉन्स में वन मैग्नीट्यूड की आउट इनपुट आप दे रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस टाइम पे जाकर ऑलमोस्ट सिस्टम क्या हो गया, अपनी जो रिस्पॉन्स है सी एफ टी, दिस इज इक्वल टू योर इनपुट सी एफ एफ टी, क्योंकि नेचुरल रिस्पॉन्स ये सारा आपके पास विद द पैसिव टाइम डिके कर गया। इसके वाइस वर्सा अगर आप देखिए दूसरे केस में, तो रियल पोल आपका लेफ्ट हाफ प्लेन पे ही है लेकिन सिस्टम के अंदर दो पोल्स हैं जो कि राइट हाफ प्लेन पे कम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर में आ रहे हैं, सो इट विल मेक अ सिस्टम अनस्टेबल। ये यहाँ पे ये जो कम्बिनेशन है पोल्स की, इट विल मेक द सिस्टम अनस्टेबल। आप देख सकते हो कि ऐसा ऐसा ऑसिलेशंस ग्रो कर रही है, क्यों, बिकॉज दिस इज द फैक्टर के आपके पास एक्सपोनेंशियल के साथ साइन ई डस टू प्लस आएगा विद साइन साइनसॉइडल फंक्शन, वो जो कम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर की वजह से आ रहा है, लेकिन रियल पार्ट की वजह से आपके पास क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल आ रहा है लेकिन विद पॉजिटिव साइन, तो एक्सपोनेंशियल आस्ते 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 ग्रो कर रहा है, राइट। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ राइज इन ऑसिलेशंस, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेबल सिस्टम एंड द अनस्टेबल सिस्टम। सो एनीथिंग इन द राइट ऑफ प्लेन विल कॉज द सिस्टम इनस्टेबिलिटी। So, in general, all the coefficients of the question should have the same sign. There should be no missing term. क्यों same sign? क्योंकि अगर आप different sign पे होंगे, अगर यहाँ पे मैं एक minus लिखता हूँ, as -2, so -2 का मतलब होगा मेरे पास real pole है, लेकिन कहाँ पे होगा? यहाँ पे +2 पे, right? क्योंकि I will equate as +2 equal to 0, so that will as -2 equal to 0, so that will make the frequency at s is equal to +2 on the right of plane. So ये ज़रूरी है हमारे पास। इस तरीके से आपके पास जो सेकंड कंडीशन है, देर शुड बी नो मिसिंग टर्म्स, ये कंडीशन थोड़ी सी वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, ऊपर से ये अबव सकते इफ द अबव टू इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड द सिस्टम विल बी अनस्टेबल और मार्जिनल स्टेबल। ओके, मार्जिनल स्टेबल के लिए ये सेकंड कंडीशन ज़्यादा फायदे रखती है। सो अगर हम
सिस्टम की स्टेबिलिटी को देखना चाहें तो वी शुड हैव सर्टेन टूल्स दैट विल हेल्प अस टू एक्नॉलेज द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. सो रोथ हैबिट्स क्राइटेरिया इज वन ऑफ द क्राइटेरिया दैट विल टूल दैट विल हेल्प अस टू एग्जामिन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. आई विल डिस्कस इट फ्रॉम एग्जाम्पल बिकॉज इट्स अ प्रोसीजरल टूल इट्स नॉट प्योरली कंसेप्चुअल टूल. सो यहाँ पर ये प्रोसीजर डू यू शुड हैव द प्रोसीजर कि कैसे आप जज करोगे सिस्टम की स्टेबिलिटी को. सो वी विल हैव अ लुक एट दिस राइट. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहाँ पे आपके पास एक सिस्टम है जिसका कोई भी नोमिनेटर है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है. नोमिनेटर कोई भी हो सकता है. वी आर मोर कंसर्न अबाउट दी डिनोमिनेटर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन राइट. सो वी इन दिस केस वी हैव अ फोर्थ ऑर्डर पॉलीनोमियल राइट. ए फोर एस फोर एक जनरलाइज इन द जनरलाइज फॉर्म पेलियन आउट. सो आपने करना क्या है कि एक टेबल बनाना है जिस तरह आपको ये नजर आ रहा है टेबल. आपको टेबल में आपने सबसे पहले पॉलीनोमियल्स का जो ऑर्डर है हाईएस्ट ऑर्डर से लेके डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने बेसिकली इसको राइट करना है टिल लीएस्ट ऑर्डर एस नॉट राइट. एस फोर एस क्यूब एस स्क्वायर एस वन एस नॉट राइट. आपने इस फॉर्म में कंजक्टिवली इनकी एंट्रीज कर देनी है. देन अब आपने इसके जो रोज है हर पॉलीनोमियल के सामने जो रो आपको नजर आ रही है फर्स्ट एस फोर के सामने जो पॉलीनोमियल, इसमें आपने इस तरह करना है जो फर्स्ट रोज बनानी है उसके लिए जो प्रोसीजर है वो आपने ये करना कि आपने इसका जो आपने यहाँ पे एंट्री दी है जो पॉलीनोमियल लिखा है इसका कोफिशिएंट आपने एंटर कर देना है राइट. जैसे कि ए फोर आपने कर दिया. देन आपने ए थ्री नहीं करना बल्कि उसको एक मिस करके नेक्स्ट आपने एंट्री यहाँ पे करनी है ठीक है. हर यानी कि अल्टरनेटिव आपने कोफिशिएंट को आपने यहाँ पे प्लग इन करना है. देखिए ए फोर था आपने ए थ्री नहीं लिखा बल्कि ए टू लिख दिया ठीक है. फिर ए वन की नंबर बनता था ए वन को छोड़ दिया और आपने उसके अल्टरनेट एंट्री कर दी ए नॉट राइट. इसी तरीके से एस क्यूब जो था आपने उसके लिए उसके कोरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट को तो एंटर कर दिया. अब उसके बाद ए टू है लेकिन आपने उसको मिस कर दिया एंड देन यू सब्स्टिट्यूटेड ए वन द नेक्स्ट कॉलम ऑफ दिस रो राइट. सो यहाँ पे आप अब ए वन के बाद यहाँ पे ए नॉट बनता है. ए नॉट हमने डालना नहीं क्योंकि हमने सब एक मिस करके करना है यहाँ पे ठीक है. अल्टरनेट एंट्री डालनी है तो आप यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो वी विल जस्ट पुट द जीरो हियर राइट. ये आपने फर्स्ट टू रोज से इस तरह बना लेनी है. नेक्स्ट में देखते हैं कि अब नेक्स्ट में आपने क्या करना है. नेक्स्ट में आपने करना ये है कि यू विल मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंटर को लगा लूँ कि आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट एंट्री है इस वक्त ठीक है. फर्स्ट एंट्री में जो यहाँ पे आपने जो एंट्री करनी है दिस इज माइनस साइन ठीक है. ये फिक्स होगा हर एक के साथ सारी देखिए आगे जाके भी माइनस साइन आ रहा है. डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय जिस रो में आप ये एंट्रीज क्रिएट कर रहे हो राइट. जिस रो में ये आप एंट्रीज क्रिएट कर रहे हो उससे जो अबव रो है राइट उसकी फर्स्ट एंट्री जिस रो यहां पे इस वक्त ए थ्री है वो आपने उसे डिवाइड कर देना है. देखिए ये कॉमन फैक्टर है तीनों में ये चेंज नहीं हो रहा. इस तरीके से जो कॉलम होगा फर्स्ट कॉलम इस डिटरमिनेंट का इसी जिस जगह पर आप ये एंट्रीज क्रिएट कर रहे हो इससे ऊपर वाली दो रोज जो है उनका फर्स्ट कॉलम उसको आपने यहाँ पे ये लेट से ये जो वैल्यू ये दो एंट्रीज है यहाँ पर ये डिटरमिनेंट का फर्स्ट कॉलम आ जाएगा. यहाँ पे वही है यहाँ पे भी वही है यहाँ पे भी वही है राइट. जो सेकंड कॉलम होगा वो क्या होगा जहां पे एंट्री की जा रही है उसके राइट साइड पर मूव करेंगे और यहाँ पे जो दो ऊपर फर्स्ट कॉलम रोज है उनको आपने यहाँ पे एंटर कर देना. जैसे कि यहाँ पे इस केस में ए टू और ए वन है हमने यहां प्लग इन कर दिया देख सकते हैं ठीक है. तो इसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा उसको हमने बी वन कह दिया राइट. अब देखिए नेक्स्ट में क्या हो रहा है अगेन फर्स्ट कॉलम डिटरमिनेंट का वही है डिवाइडिंग फैक्टर भी वही है ए थ्री. सिर्फ क्या चेंज हो रहा है जो सेकंड कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट है वो क्या है आप जहां पे एंट्री कर रहे हो उसके राइट साइड पे मूव किया ए कॉलम ठीक है और उसके ऊपर की दोनों रोज जो सी है वो आपने उठा लिया विच इज ए नॉट एंड जीरो. ये आपने दोनों यहां पे प्लग इन कर दिए दोनों वैल्यूज को राइट ठीक. इसी तरीके से जो थर्ड रो है वो भी आपने किस तरह बना ली माइनस का साइन फर्स्ट इन टू एंट्रीज ये यहाँ पे आ गई एज इट इज डिवाइड फैक्टर वही है ए थ्री विच इज द जहाँ पे आप एंट्रीज कर रहे हैं उससे ऊपर वाली एक रो फर्स्ट जो एंट्री है फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यू है वो उससे आपने इसको डिवाइड कर देना है. वट एवर द रिजल्ट इज वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर एट दिस स्टेज राइट. सो
इस सीरीज के साथ में नेक्स्ट जो पॉलीनोमियल है उसमें प्रोसीड कर देना है, उसमें ये मेथड है माइनस साइन, जहाँ पे एंट्रीज आप कर रहे हो कैलकुलेट कर रहे हो उससे ऊपर वाली रो में जो दो रोज होंगी उसका फर्स्ट कॉलम आपने उठा लेना है। सो इन दिस केस ए थ्री और बी वन आपके पास ये फर्स्ट कॉलम बनते हैं, ये आपको यहाँ पे आ रहे हैं एंड दे आर कंसिस्टेंट इन दी अदर कैलकुलेशन ऑल्सो राइट इन द सेम रो डिवाइडेड बाई जो जहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हो ऊपर जो रो है उसकी फर्स्ट कॉलम जो एंट्री है वो आपने यहाँ पे इसे डिवाइड कर देना है सारी वैल्यूज को, बी वन से ये डिवाइड हो रही है देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो अगेन जो इसकी सेकंड एंट्री होगी डिटरमिनेंट की जो सेकंड कॉलम होगा वो कैसे करना है, जहाँ पे आप कैलकुलेशंस कर रहे हो सी वन को आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो आप उससे राइट साइड पे कॉलम जाओगे उससे ऊपर वाली जो दो रोज हैं उसमें जो डाटा है उसको आप यहाँ पे प्लग इन करना है विच इज ए वन एंड बी टू, ये प्लग इन हो गया। इसलिए जब यहाँ मूव करें ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम फैक्टर रहेगा, यहाँ पे क्या है जीरो जीरो क्यों आया है बिकॉज अगर आप ये देखो पहले आप राइट पे मूव किया उस ऊपर दो जो रोज है वहाँ देखा जीरो भी वो प्लग इन कर दिया। इसी के से माइनस ए थ्री बी वन सेम है, बी वन सेम है एंड जीरो जीरो बिकॉज वी हैव डोंट हैव एनी एंट्रीज हेयर राइट। सो सिमिलर प्रोसीजर से अब आखिर तक चले जाओगे वी विल गेट ए फोर ए थ्री बी वन सी वन डी वन एंड ऑल अदर बी टू एंट्रीज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग रुथहोल्ट्स क्राइटेरिया। सो नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमिन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम राइट। सो आपने करना क्या है इसके फर्स्ट कॉलम को सिर्फ चेकना, बाकी सबको भूल जाए ठीक है। आप क्रिएट सारा पूरा टेबल किया लेकिन फर्स्ट कॉलम पर आपने ऑब्जर्वेशन रखनी है अपनी। अब वो कैसे करेंगे, आपने नंबर ऑफ साइन चेंजेस देखने हैं, यानी कि अगर ए फोर है ए थ्री है बी वन है सी वन है डी वन, ये तो हमने जनरेट किया। लेट से आपके पास कहीं पर एक रो से दूसरी रो पे आते हुए साइन चेंज हुआ है, लेट से मैं एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे रिजल्ट आया फाइव, यहाँ पे सेवन आया हुआ, यहाँ पे माइनस टू आ गया, यहाँ पे थ्री आ गया और यहाँ पे फिर माइनस वन आ गया राइट। मैं अज्यूम कर रहा हूँ सो मैं अब देखूंगा ओके जी एस फोर से एस क्यूब में आते हुए मेरे पास साइन चेंज हुआ नहीं हुआ राइट, एस क्यूब से एस स्क्वायर में हुआ राइट साइन चेंज हो गया राइट। सो देयर इज वन एक साइन चेंज हुआ, फिर माइनस टू एस टू से एस वन में आते हुए साइन चेंज हुआ बिल्कुल हुआ, तो ये अब आपके पास टू टाइम्स हो गया। फिर S1 से S0 में हुआ बिल्कुल हुआ और हम ये कह सकते हैं तीन दफा इसका साइन चेंज हुआ। मैटर नंबर चेंज नंबर इस वक्त मैटर नहीं कर रहा, मैटर इस वक्त इस कंडीशन में इस वक्त मैटर ये करेगा कि अगर साइन चेंज हुआ है, अगर इस पॉलीनोमियल के जो पॉलीनोमियल के ट्रांजिशन में साइन चेंज हुआ है एक रो से दूसरी रो में जाते हुए तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। अगर एक दफा भी साइन चेंज होता है सिस्टम क्या होगा अनस्टेबल, यानी कि अगर मैं इस केस में बात करूँ मैं इसको एमिट कर देता हूँ, देखिए यहाँ से पॉजिटिव पॉजिटिव फिर पॉजिटिव पॉजिटिव कोई साइन चेंज नहीं हुआ राइट, लेकिन जैसे आप S1 से S0 पे साइन चेंज हुआ सो सिस्टम विल बी अनस्टेबल। सो रुथहोल्ट्स क्राइटेरिया में आपने टेबल जनरेट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज को चेक करना है कि अगर उसमें कोई भी साइन चेंज आ रहा है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा राइट, उसका सिस्टम के एक पोल राइट ऑफ प्लेन पे होगा। अब उनकी लोकेशन को आप नहीं बता सकते कि किस जगह पर है, लेकिन द मेन थिंग इज कि आपका सिस्टम अनस्टेबल होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल एंड आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द लोकेशन ऑफ द पोल्स, सो देन यू कैन यूज द रुथहोल्ट्स क्राइटेरिया टू फाइंड द सिस्टम स्टेबिलिटी। सो ये आपके पास यहाँ पे डिस्कशन में मजीद हुई हुई है, इसकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को आप अपने तौर पर देख भी लो बेसिकली, और उसमें यही प्रोसीजर होगा जो भी हमने किया राइट। सो इस एग्जाम्पल में ये सारा प्रोसीजर इस एज इट इज परफॉर्म हो रहा है जो भी हमने किया है। आई यू विल सी दैट कि साइन चेंजेस आपके पास अगर अकर नहीं कर रहे सिस्टम विल बी स्टेबल, अदरवाइज द सिस्टम इज अनस्टेबल राइट। सो इस लेक्चर में हमने सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिस्कस किया है, आइंदा एग्जांपल्स लेक्चर में हम मजीद फर्दर एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, कुछ एडवांस केसेस है रुथहोल्ट्स क्राइटेरिया के उनको डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड होपफुली वी विल डिस्कस एनी क्वेश्चन आंसर इन द लाइव सेशन। अल्लाह हाफिज़।